केजरीवाल को मिलेगा ओवैसी का साथ, हो गया बड़ा ऐलान। दिल्ली की सरकार के खिलाफ केंद्र के लाए गए अध्यादेश को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल विभिन्न विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। उनका प्लान है कि बिल को राज्यसभा में निरस्त करने के लिए समर्थन जुटाया जाए, लेकिन AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सीएम केजरीवाल को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि वह केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप प्रमुख कट्टर हिंदुत्व का पालन करते हैं। ओवैसी ने कहा केजरीवाल ने आर्टिकल 370 पर भाजपा का समर्थन क्यों किया, अब वह क्यों रो रहे हैं। मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि वह सिर्फ नरम हिंदुत्व नहीं बल्कि कट्टर हिंदुत्व का पालन करते हैं। जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को निरस्त कर दिया गया तो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया था, हम जम्मू कश्मीर पर उनके फैसलों पर सरकार का समर्थन करते हैं, हमें उम्मीद है कि इससे राज्य में शांति और विकास आएगा। अब तक केजरीवाल उद्धव ठाकरे, के चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। उन्होंने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की है। वह जल्द ही तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने वाले हैं। इस बीच ओवैसी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए केवल एक धर्म के लोगों को ले गए। ओवैसी ने कहा उन्हें सभी धर्मों के लोगों को लेना चाहिए था क्योंकि वह भारत के 130 करोड़ लोगों के पीएम हैं, न कि केवल हिंदुओं के। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।